बहुत धन्यवाद इंजीनियर आरके राम जी। हमारे अगले वक्ता चौधरी विकास पटेल प्रदेश प्रभारी पान से उत्तर प्रदेश होंगे। सर आए अपनी बात रखें। धन्यवाद संचालक जी। वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के लखनऊ मंडल अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे आज के अध्यक्ष वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओमन मेश्राम साहब, अन्य सम्मानित अतिथिगण और साथियों, आज इस अधिवेशन में कई विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं। मंडल कमीशन का विषय रखा गया है, क्रीमी लेयर का विषय है, पिछड़े वर्ग के नेताओं का चेहरा दिखाकर उनका वोट लेना और फिर इस्तेमाल करो और फेंक दो की नीति, ये भी विषय रखा गया है। और SC ST OBC एवं अल्पसंख्यकों को संगठित होकर संघर्ष करने से ही इनकी समस्याओं का समाधान है। EVM घोटाले का सब्जेक्ट है और जाति का सब्जेक्ट है कि जाति हमारी मूल पहचान नहीं है। तो इस प्रकार से कई सब्जेक्ट आज के कार्यक्रम में चर्चा के लिए रखा गया है। और ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में एक बात पता चलती है कि इस देश में हम सभी लोगों की पिटाई हो रही है। SC की पिटाई हो रही है, ST की पिटाई हो रही है, OBC की पिटाई हो रही है, MBC की पिटाई हो रही है, माइनॉरिटी की पिटाई हो रही है, सबकी पिटाई हो रही है, मगर सारे अलग अलग। और हमको अपनी जाति पर गर्व है, किसी को यादव होने पर गर्व है, किसी को कुर्मी होने पर गर्व है, किसी को मौर्या होने पर गर्व है, किसी को चमार जाटव होने पर गर्व है, किसी को वाल्मीकि होने पर गर्व है, किसी को खटिक होने पर गर्व है। हमें अपने अपने जाति पर गर्व है, मगर ये जो जाति की पहचान है ये हमारी मूल पहचान नहीं। ये ब्राह्मणों के द्वारा दी गई पहचान, और ब्राह्मणों ने हमें केवल जाति की ही पहचान नहीं दिया, बल्कि इसके पहले भी वो हमें पहचान देते आए, और वो समय समय पर हमको पहचान देते हैं, और वो पहचान देते हैं, उनकी पहचान हम लेकर होते रहते हैं। जब वो इस देश में आए, कक्षा छह के इतिहास की किताब पढ़ लो तो कक्षा छह के इतिहास की किताब में लिखा हुआ है कि वो देश में आए और घोड़े से आए, और उसका नक्शा बनाकर दिखाया गया है कक्षा छह की किताब में। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सिलेबस चलता है उसमें दिखाया गया है, वो आए तो उन्होंने अपने को आर्य कहा, हमारे लोगों को अनार्य कहा, उन्होंने अपने को देव कहा, हमारे लोगों को दैत्य दानव असुर राक्षस कहा। मतलब उस समय जब हमारी और उनकी लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने अपने को देव कहा और हमारे लोगों को दैत्य दानव असुर राक्षस कहा। आज भी जब टीवी पर सीरियल आता है, देवता जीतते हैं और हमारे हमारे पुरखे जो राक्षस थे वो हारते हैं, और हमारा परिवार और हम लोग टीवी देखते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, क्योंकि हमें अपना इतिहास पता नहीं है। तो उस समय उन्होंने हमको दैत्य दानव असुर राक्षस, जब कुछ जगह वो विजयी हुए कुछ जगह वो जीते, तो उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था को उन्होंने वर्ण व्यवस्था कहा। ये भी कक्षा छह के इतिहास में लिखा हुआ है कि जो बाहर से आए हुए लोग थे उन्होंने अपने को तीन भागों में बांटा। जो पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाने वाले लोग थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया, जो युद्ध करने वाले लोग थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया, और जो प्रबंध करने वाले लोग थे, व्यवस्था करने वाले लोग थे, उन्हें वैश्य कहा। उन्होंने अपने को तीन भागों में बांटा, और जो युद्ध में हारे हुए लोग थे उन्हें शूद्र कहा। ये भी कक्षा छह के इतिहास में पढ़ाया गया। आज की तारीख में पिछड़े वर्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं पता है, पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने महापुरुषों की विरासत नहीं पता है, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग ब्राह्मणों के महापुरुषों को ही अपना महापुरुष मानते हैं। ब्राह्मणों ने अपने महापुरुषों को बताया कि ये पिछड़े वर्ग के लोग, ये तुम्हारे भी महापुरुष हैं। तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग गांधी को मसीहा मानते हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग नेहरू को मसीहा मानते हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग तिलक को मसीहा मानते हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मसीहा मानते हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग जयप्रकाश नारायण को मसीहा मानते हैं। लेकिन जब लोहिया इसे
देश में पैदा नहीं हुए थे, जब गांधी इस देश में पैदा नहीं हुए थे, तो ज्योतिबा फुले ने 1848 में हमारी आजादी की लड़ाई शुरू किया, तब गांधी जी पैदा ही नहीं हुए। जब लोहिया नहीं पैदा हुए थे तो हमारे पुरखे छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में इस देश में आरक्षण लागू किया, तब ये भी लोहिया भी पैदा नहीं हुए थे। मगर ये जो हमारा इतिहास है, ये हमारा इतिहास हमारे लोगों को पता नहीं है, तो ये हमारा इतिहास है कि ब्राह्मणों ने हमको दैत्य दानव असुर राक्षस, फिर ब्राह्मणों ने हमको शूद्र कहा और शूद्र पिछड़े वर्ग के लोगों को बनाए, मगर पिछड़े वर्ग के लोगों को भरम है, ओबीसी के लोगों को भरम है कि हमें शूद्र नहीं बनाए। उनको क्या लगता है, जमार को शूद्र बनाया, भंगी को शूद्र बनाया, खटीक को शूद्र बनाया, उनको लगता है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन अनुसूचित जाति के लोगों को ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया। लेकिन मैं प्रैक्टिकली ये बात बताना चाहता हूं, ब्राह्मणों ने शूद्रों को काम दिया कि सेवा करने का काम तुम्हारा काम है, और सेवा करना है तो उम्मीद कुछ भी नहीं करना है, तुम सेवा करोगे तो उसके बदले में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, निष्काम भाव से सेवा करना है। अब अगर सेवा करना है तो सेवा कौन कर सकता है? अब कोई चमार बिरादरी का आदमी जिसको ब्राह्मणों ने अछूत बनाया, अगर वो एक गिलास पानी लेके पंडित जी के पास में जाए और पंडित जी को कहे कि पंडित जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आया हूँ, तो क्या पंडित जी उसके हाथ का पानी पीते हैं? पंडित जी हाथ का पानी नहीं पिएंगे, बल्कि गिलास इतना दूर फेंकेंगे जितना दूर वो फेंक सकते हैं, और हो सकता है उसकी पिटाई भी हो जाए। इसका मतलब जो अछूत लोग हैं वो सेवा करने का काम नहीं कर सकते, तो सेवा करता कौन था और आज भी करता कौन है? तो अगर ब्राह्मण को दूध दही घी की जरूरत पड़ी तो कौन देगा? अब जो पैदा करता है वही तो देगा, अब यादव पैदा करता है तो यादव देगा। ब्राह्मण को अनाज की जरूरत पड़ी तो कौन देगा? कुर्मी पैदा करता है, लोधी पैदा करता है, जो पैदा करता है वो अनाज देने का काम करेगा। अगर ब्राह्मण का दाढ़ी बार बड़ा हो गया तो कौन बनाएगा? तो नाई बिरादरी के लोग बनाएंगे। ब्राह्मण पूजा करता है, फूल की जरूरत पड़ती है तो फूल कौन देगा? तो माली बिरादरी के लोग देंगे। पहले कुएं घरों के बाहर होते थे और ब्राह्मणों की महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती थी, तो क्या होता था? पानी बाहर से अंदर ले जाना होता था, तो पानी भरने का लो काम कहां लोग किया करते थे? ये जितनी बिरादरी का नाम मैंने बताया ये सारी ओबीसी में है। इसका मतलब ये है कि जो सेवा करने की जिम्मेदारी थी वो पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया, और पिछड़े वर्ग के लोगों को ब्राह्मणों ने अधिकार वंचित किया। मतलब ब्राह्मणों ने पहले दैत्य दानव असुर राक्षस कहा, ब्राह्मणों ने फिर हमको शूद्र कहा, फिर ब्राह्मणों ने 6,743 जातियों में हमको विभाजित किया, क्योंकि इस व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के विरोध में महामानव बुद्ध आए और महामानव बुद्ध ने इस वर्ण व्यवस्था के विरोध में आंदोलन चलाया, तो मौर्य का साम्राज्य आया, भारत विश्व गुरु हुआ, भारत सोने की चिड़िया हुआ। इतना बड़ा परिवर्तन जब देश में आया, फिर भी ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, समता समता बंधुता न्याय की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, और इसके विरोध में षड्यंत्र किया। षड्यंत्र करके वो भिक्षु संघ में घुसे और हीनयान महायान तंत्रयान वज्रयान भिक्षु संघ के 4 टुकड़े किए, और अंतिम मौत राजा राजा वृद्ध की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने किया। और ये करने के बाद ब्राह्मणों की पंचायत इकट्ठा हुई कि आखिर बुद्ध सफल क्यों हो गए, तो पता चला कि उस समय सारे मूल्यवासियों की एक पहचान थी, और एक पहचान के लोगों का एक संगठन बनाना आसान होता है। सारे सूत्र थे तो सारे सूत्र बुद्ध के साथ इकट्ठा हो गए, क्रांति हो गई, तो ब्राह्मणों ने 6,743 जातियों में हमारे लोगों को बांट, हर जाति का अलग नाम दिया, हर जाति का अलग काम दिया, हर जाति की अलग पहचान दिया, और कर्मिक असमानता के आधार पर बनाया ताकि हमारे लोग इकट्ठा ना हो पाए। और इतना ही नहीं किया, और सारी जातियों को कहा तुम तो दूसरी जाति से बड़े हो, यादव को कहा कृष्ण भगवान के वंशज हो, विश्वकर्मा को कहा विश्वकर्मा भगवान के वंशज हो, और निषाद को कहा तुम तो भगवान को ही पार लगाने वाले हो, प्रजापति को कहा प्रजापति भगवान के वंशज हो, वाल्मीकि को कहा वाल्मीकि के वंशज हो,
हर बिरादरी को झाड़ पर चढ़ाने का काम किया ताकि एक बिरादरी अपने को दूसरे बिरादरी से कम ना समझे, और जब एक बिरादरी दूसरे बिरादरी से कम नहीं समझेगी तो ये आपस में नमस्कार नहीं करेंगे, और जब ये आपस में नमस्कार नहीं करेंगे तो मैं ब्राह्मण अलग अलग सबकी पिटाई करता है, अलग अलग पिटाई खाने के बाद लोग अपने अपने घर में घुस जाते हैं क्योंकि आपस में नमस्कार नहीं हो। मैंने तो यादव लोगों को पूछा, यादव जी आप तो कृष्ण भगवान के वंशज हो, अगर आप कृष्ण भगवान के वंशज हो तो आप पायलागी पंडित जी को क्यों करते हो? पंडित जी को आपको पायलागी करना चाहिए क्योंकि भगवान के वंशज तो आप हो, आप भगवान के वंशज हो मगर आप पंडित जी को पायलागी करते हो, ये उल्टा कैसे हो रहा है? तो साथियों ये जो सारा सिस्टम ब्राह्मणों ने बनाया, जाति बनाई, उन्होंने हमको पहचान लिया, ये अलग अलग समय पर उन्होंने हमको पहचान लिया, और अलग अलग समय पर पहचान लेने का मतलब ये था कि अलग अलग समय पर पहचान लेकर वो हमारे लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे। जब उन्होंने हमको दैत्यदानव असुर राक्षस बनाया तो उनका मकसद था हमको गुलाम बनाना, जब उन्होंने हमको शूद्र बनाया तब भी उनका मकसद था हमको गुलाम बनाना, जब उन्होंने हमको 6000 जातियों में बांटा तो भी उनका मकसद था हमें गुलाम बनाना। डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेजों का नहीं है, ये ब्राह्मणों का है। अंग्रेजों ने केवल 2 भागों में बांटा, हिंदू और मुसलमान, बल्कि ब्राह्मणों ने 6000 भागों में बांटा। इसलिए अंग्रेज अगर बदमाश है 2 भागों में बांटने के लिए तो 6,745 जातियों में बांटने वाले ब्राह्मण ये महाबदमाश है, इस बात को हम लोगों को समझना होगा। तो साथियों ये 6,745 जातियों में बांटा और डिवाइड एंड रूल लागू, उस समय डिवाइड एंड रूल लागू किया, आज फिर वो हमको पहचान दे रहे हैं। क्योंकि जाति जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती, मगर उन्होंने हमारे अंदर ये भाव पैदा कर दिया। उस समय डिवाइड एंड रूल कहते थे, आज यूनाइट एंड रूल कर रहे, उस समय डिवाइड एंड रूल करते थे, आज यूनाइट एंड रूल कर रहे। आज क्या कहते ब्राह्मण हमारी गली मोहल्ले में आता बोलता गर्व से कहो बिंदु, उस समय डिवाइड एंड रूल किया 6,745 जातियों में बांटा, आज वही ब्राह्मण कहते हैं गर्व से कहो हिंदू है, 6,745 जातियों को एक पहचान दे रहे हिंदू है, जबकि ये हिंदू क्या है? जितने वेद है, पुराण है, स्मृति है, मनुस्मृति है, जितने भी ग्रंथ है, किसी में हिंदू शब्द नहीं है। और ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानता था, ब्राह्मणों ने देखा जब भारत में महेश पंचाग्रह लागू होगा तो ब्राह्मणों ने देखा हमारी संख्या तो 3.5% है, और 3.5% के लोग लोकतंत्र में गांव का पंच नहीं बन सकते, सरपंच बनना तो बड़ी बात है, तो अगर बनना है तो क्या करना होगा? अगर बनना है तो इन लोगों को हिंदू बनाना होगा, इसलिए वो हिंदू बनाते हैं यूनाइट एंड रूल। मगर वो यूनाइट करते हैं, मगर सफर कहें कि यूनाइट कैसे होना चाहिए? यूनाइट ऐसे होना चाहिए कि ये आपस में इकट्ठे नहीं होना चाहिए, मगर ये सारे इकट्ठे होकर ब्राह्मण के खाते में, ब्राह्मण के नेतृत्व में आने चाहिए, मगर आपस में यादव कुर्मी मौरिया गढ़िया चमार पासी छड़ी धोबी ये इकट्ठा नहीं होना चाहिए, मगर ये हिंदू के नाम पर सारे ब्राह्मण के खाते में आने चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। आपने संतरा देखा, संतरे में एक ऊपर पीला कवर होता है, पीला छिलका होता है, वो पीला छिलका ही हिंदू है। अगर वो पीला छिलका आप हटा देते हो, अंदर अलग अलग कट पीस है, और जो अलग अलग कट पीस है किसी भी पीस का रस दूसरे पीस में नहीं जाता, वैसे ये व्यवस्था है। उन्होंने हमारे ऊपर पीली चादर डाल दिया, बोला हम सभी हिंदू हैं, और जैसे चादर हटाओ तो या तो है कुर्मी है, मौरिया है, गढ़िया है, अलग अलग 6,000 जातियों के लोग हैं, तो जातियों के आधार पर झगड़ा लगाता है, फिर हिंदू का तड़का लगाता है और हमारा वोट ले लेता है। तो ये झगड़ा साथियों जाति के आधार पर कैसे लगाता है, जाति हमारे लिए नुकसानदायक कैसे है, इतना ही मैं बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। तो ब्राह्मण जब यादव के घर में जाता है तो यादव को क्या कहते, यादव को कहता है यादव जी क्या हाल चाल, यादव जी कहते पंडित जी ठीक ठाक है, तो पंडित पूछता है आपका बड़ा वाला लड़का क्या करता है, तो यादव जी कहते हैं पंडित जी हमारा बड़ा वाला लड़का तो दूध बेचता है, तो यादव को पंडित कहता अच्छा आपका दूसरा छोटा वाला लड़का क्या करता है, तो पंडित कहता है, तो यादव जी कहते वो भी दूध बेचता है, पंडित कहते अच्छा नौकरी नहीं मिली आपके लड़कों को, बोले पंडित जी बड़ी बेरोजगारी है, नौकरी कैसे मिलती,
तो पंडित ने कहा बिजनेस व्यापारी करवा लेते। यादव जी ने कहा पंडित जी पैसे नहीं है, गरीबी है, तो बिजनेस व्यापार कैसे करवा लेते। तो पंडित ने यादव को कहा पंडित जी तुमको नौकरी नहीं मिली, नहीं मिलने का कारण क्या है पता है? तो पंडित जी को यादव जी ने कहा मुझे तो नहीं पता है। तो पंडित जी ने कहा वो फला पटेल जी का घर देख रहे हो, उनके घर में तीन लड़के हैं, तीनों सरकारी नौकरी में हैं और तीन तीन ईंट भट्ठे भी उनके पास में है, यादव गरीब है, यादव बेरोजगार है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि यादव का हिस्सा कुर्मियों ने खा लिया, इसलिए यादव गरीब है। अब यादव जी को क्या लगता है कि पंडित जी हमारे फेवर की बात कर रहे हैं? और जैसे यादव जी को लगता पंडित जी हमारे फेवर की बात कर रहे हैं तो यादव जी उनको दूध भी पिलाते हैं गर्मा गर्म और घी भी कठरी बात कर देते हैं। वो कठरी लेकर पंडित जी निकलते हैं और किसी गरीब कुर्मी के घर में पहुंच जाते हैं। और जब किसी गरीब कुर्मी के घर में पहुंच जाते हैं तो उस कुर्मी को पूछते क्या हालचाल है, आपका बड़ा लड़का क्या करता है, आपका छोटा लड़का क्या करता है। कुर्मी भी कहता पंडित जी दोनों लड़के खेती ही करते हैं, खेती ही करते हैं, नौकरी नहीं मिली। बोलता है नौकरी कहाँ मिलेगी, बड़ी बेरोजगारी है, तो बिजनेस व्यापार क्यों नहीं करवाया, पैसे नहीं है तो कैसे करवाते। तो ये जो गरीबी है, ये जो बेरोजगारी है, इसका कारण क्या है पता है? तो कुर्मी ने कहा पंडित जी हमें तो नहीं पता है। नहीं पता है, ये तो पता है, मुलायम सिंह यादव कई बार मुख्यमंत्री रहे। बोला हाँ ये तो पता है, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, हाँ ये भी पता है। तो अखिलेश और मुलायम ने मिलकर सारे ओबीसी की नौकरियां केवल यादवों को दे दिया, इसलिए कुर्मियों को नौकरी नहीं मिली। यादव को कुर्मी के विरोध में भड़का दिया, कुर्मी को यादव के विरोध में भड़का दिया। फिर निषाद के पास गया, केवल के पास गया, बिंद के पास गया, मौर्या के पास में गया, प्रजापति के पास में गया, विश्वकर्मा के पास में गया। बोला तुम लोगों के पास तो बड़ी गरीबी है, बड़ी बेरोजगारी है, कारण क्या है पता है? बोला नहीं पता। नहीं पता, यादव और कुर्मी ने मिलकर सारी नौकरियां ले लिया है, इसलिए तुमको जो है नौकरियां नहीं मिली है, इसलिए तुम्हारे पास गरीबी है, तुम्हारे पास बेरोजगारी है। अब गांव के आदमी के पास डाटा कहाँ है कि 52% ओबीसी है और 52% ओबीसी को केवल 27% दिया, दिखाया, केवल दिखाने के लिए दिया। क्योंकि दिखाया ही क्यों, क्योंकि हमारे लोगों को हल्दी लगाने की जरूरत नहीं होती, वो देखने से ही पीले हो जाते हैं। तो ब्राह्मण सोचता है दिखा कर कभी पीले हो जाते हैं तो लगाने की क्या जरूरत है। जिसको 52 रोटी की भूख थी उसे 27 रोटी दिखाया, जिसे 52 रोटी की भूख थी उसे 27 रोटी दिखाया, और जब खिलाने का समय आया तो 5 रोटी फेंका। ऐसे हम लोग कुत्तों के लिए रोटी फेंकते हैं, तो रोटी फेंकते हैं तो क्या होता है, अगर मान लो 5-10 कुत्ते उधर हैं और एक रोटी फेंक दो तो 5-10 कुत्ते आपके पास रोटी का स्टॉक है, सारा भंडार रोटी का आपके पास में है। वो 10 कुत्ते आपके स्टॉक पर हमला नहीं करेंगे, अगर आपके स्टॉक पर हमला करें तो 10 रोटी उनके हिस्से की उनको मिल जाएगी, उनका पेट भर जाएगा। मगर आप जो एक रोटी फेंकते हो उस एक रोटी के लिए वो सारे कुत्ते चौचो चौचो करके लड़ते हैं, वैसे ही वो हमारे समाज के लिए फेंकती है, फेंक दिया। उसमें यादव लड़ रहा है कुर्मी से, कुर्मी लड़ रहा है यादव से, मौर्य लड़ रहा है निषाद लड़ रहा है, सारे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। और कोई इस बात को नहीं देख रहा है कि स्टॉक किसके पास है, उस स्टॉक पर अटैक करो तो 52% हिस्सा है, 52% अपना ले लो तो सबको हिस्सेदारी ठीक से मिलेगी, सबका पेट भरेगा। तो ऐसा लड़ाने का काम कर। फिर वही ब्राह्मण जाता है चमार के घर में, बोलता जमाना बदल गया। जमार पूछता पंडित जी क्या जमाना बदल गया? कहता देखो जमाना बदल गया, हम ब्राह्मण है तुम चमार, मगर इतना जमाना बदल गया कि हम तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हारी चारपाई पर बैठते हैं, तुम्हारे बर्तन में खाते हैं, और तुम हमारे घर आते हो तुम्हें भी अपने बिस्तर पर बिठाते हैं, अपने बर्तन में खिलाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, केवल इतना ही नहीं है, अगर तुम्हारे में कोई आईएएस अधिकारी हो जाए, पीसीएस अधिकारी हो जाए, बड़ा नेता हो जाए, बड़ा अभिनेता हो जाए, तो हम अपनी बहन बेटियों की शादियां भी तुम चमार लोगों के साथ में लगा दे। जमाना बदल गया और हम ब्राह्मण भी बदल गए, मगर ये यादव जी को देख रहे हो, ये पटेल जी को देख रहे हो, ये मौर्य जी को देख रहे हो, ये निषाद जी को देख रहे हो, ये तो तुम्हारा छुआ हुआ भी नहीं खाते, तुम्हारे असली दुश्मन ब्राह्मण
नहीं रह गए, अब तुम्हारे असली दुश्मन ये पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, झगड़ा लगाने का काम करता है। चमार को अछूत यादव कुर्मी मौर्य गरड़िया ने नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया और ब्राह्मणों ने ही बताया ये अछूत है, और शेड्यूल कास्ट का बनाया नहीं था, शेड्यूल कास्ट का छुआ नहीं खाता तो ब्राह्मण ओबीसी का बनाया नहीं। ब्राह्मणों ने सोचा, ब्राह्मण कहता ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, तो ब्राह्मण सोचता है जब हल कुदाल नहीं चलेगी खाना कहाँ से मिलेगा, तो खाना खाने के लिए ओबीसी का छुआ खाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैदा करता है इसलिए छुआ खाता है मगर बनाया नहीं था। आटा गूंथने का काम मेहनत का काम है, वो बोलता है यादव जी तुम गूंथो, पटेल जी तुम गूंथो, मगर खबरदार पूरी मत निकालना, अगर पूरी निकालोगे तो पूरी अपवित्र हो जाएगी, इसलिए पूरी मत निकालना, केवल आटा गूंथने का काम करो तो आपका या शेड्यूल कास्ट के लोगों का छुआ नहीं खाता, ओबीसी के लोगों का बनाया नहीं खाता, दोनों के साथ भेदभाव करता है मगर लड़ाने का काम करता है। फिर वही ब्राह्मण खटीक के घर जाता है, धोबी के घर जाता है, वाल्मीकि के घर जाता है और उसको कहता है अरे तुम्हारे पास तो बड़ी गरीबी बेरोजगारी है, कारण क्या है पता? बोलता पंडित जी हमें तो नहीं पता, नहीं पता तो ये तो पता होगा कि मायावती मुख्यमंत्री रही कई बार। बोलता हाँ ये तो पता है मायावती कई बार मुख्यमंत्री रही, तो मायावती ने सारी नौकरियां केवल चमार को दे दिया, बाकी किसी को नहीं दिया, इसलिए खटीक बेरोजगार है, इसलिए धोबी बेरोजगार है, इसलिए वाल्मीकि बेरोजगार है। उनको भी लगता सही बात, क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं है कि शेड्यूल कास्ट का कोटा भी पूरा नहीं होने दिया, तो ये आपस में लड़ाने का काम करता है। अब मान लो एक जगह सारे लोग मिल जाए तो क्या, अब अगर एक जगह सारे लोग मिल जाए तो क्या होगा? ब्राह्मण पूछता, ब्राह्मण सोचता आपस में झगड़ा तो लगाया नहीं जा सकता, सारे इकट्ठा है, तो ब्राह्मण कहता अरे तुम लोगों को कुछ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा? हमारा आदमी कहता पंडित जी क्या दिखाई पड़ना चाहिए? कहता कुछ दिखाई पड़ रहा है। बोलता नहीं दिखाई पड़ रहा, क्या दिखाई पड़ना चाहिए? बोलता एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा क्या तुम लोग? तो हमारा आदमी पूछता पंडित जी सही में 14-14 बच्चे पैदा कर रहे? बोलता सही में 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरे देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और भारत पाकिस्तान बन जाएगा, वो दिन दूर नहीं है, इसलिए क्या करना होगा? हमारे लोग पूछते हैं कि सोचते हैं अभी छोड़ो आरक्षण की लड़ाई, अभी छोड़ो दूसरी लड़ाई, पहले भारत पर मुसलमानों का कब्जा हो रहा है इससे बचा लेते हैं फिर लड़ाई लड़ेंगे। जब ऐसा हमारे लोग सोचते हैं तो हमारे लोग पंडित जी को पूछते हैं पंडित जी इसका उपाय क्या? तो पंडित जी कहते हैं देखो मुलायम सिंह तो मुल्ला मुलायम के नाम से जाने ही जाते हैं, उन्हीं के लड़के अखिलेश यादव हैं। मायावती ने विधानसभा चुनाव में 100 मुसलमानों को टिकट दिया था, मतलब वो भी मुसलमानों को साथ में लेकर चल रही। ये भाव से भारत मुक्ति मोर्चा वाले भी मुसलमानों की बात करते हैं, इसलिए इसका कोई उपाय दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर इसका कोई उपाय निकाल सकता है वो अकेले मोदी जी ही निकाल सकते हैं, बाकी कोई इसका उपाय नहीं निकाल सकता है। जब ब्राह्मण ऐसा SC ST ओबीसी के लोगों को समझाता है तो जो SC ST ओबीसी के लोग हैं वो हिंदू बन जाते हैं, और जब वो हिंदू बन जाते हैं तो 3.5% ब्राह्मणों की लीडरशिप स्वीकार करते हैं, 3.5% ब्राह्मण SC ST OBC का नेता हो जाता है, और ये इसके पिछलग्गू हो जाते हैं और ये इसको वोट देते हैं। तो जो 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण है जो गांव में पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकता था, वो कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये तय करने लायक हो जाता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये जो ब्राह्मण झगड़ा लगा रहे हैं इस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर और मीडिया पर और लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है। क्षत्रिय और वैश्यों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व इन लोगों ने नहीं दिया है। आप लोगों ने सुना होगा, सब लोग कहते हैं सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है ये पता है, मगर सबका हिस्सा खाने वाला कौन है ये अभी तक हम लोग पता नहीं कर पाए, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए तय करना होगा सबका हिस्सा खाने वाला कौन है। तो ब्राह्मणों ने SC का हिस्सा खाया, ब्राह्मणों ने SC का हिस्सा खाया, ब्राह्मणों ने
ओबीसी का हिस्सा खाया, ब्राह्मणों ने माइनॉरिटी का हिस्सा खाया, क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष का बयान आया हमारा भी हिस्सा खाया, वैश्य महासभा के अध्यक्ष का बयान आया उसका भी हिस्सा खाया। अगर सबका हिस्सा खाने वाला एक है तो सबका मालिक एक है ये हम लोग जानते हैं, मगर सबका दुश्मन एक है ये जानना जरूरी है। तो वो सबका दुश्मन है जिसने सबका हिस्सा खाया और ना इंसाफी कायम किया हुआ है पूरे देश में। तो साथियों ने जो ना इंसाफी कायम हुई है ये अलग अलग लड़ोगे तो पिटाई होगी, इसलिए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को मिलजुल कर जिसने सबका हिस्सा खाया उससे लड़ना होगा और जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में अपना अपना हिस्सा लेना होगा। ओबीसी के नेताओं के बारे में एक सब्जेक्ट रखा गया है, एक ही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बिहार के पिछड़े वर्ग के बड़े नेता थे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे ये जो ब्राह्मण लोग हैं इन्होंने हमारे पुरखों से हलवाई कराया, ये जो ब्राह्मण लोग हैं इन्होंने हमारे पुरखों से हलवाई करवाया है और आज ये हमारे नेताओं से राजनीतिक हलवाई करवाना चाहते हैं, मैं ये हलवाई करने वाला नहीं हूँ। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा नहीं करने वाला हूँ, मगर आज के जो हमारे पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो सब इनकी राजनीतिक हलवाई कर रहे हैं, इसलिए हमें उनके चंगुल से बाहर आना होगा। चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे राज ओम प्रकाश राजभर हो, ये जितने भी नेता हैं ये संसद के अंदर कुछ भी नहीं बोलते समाज के लिए। और आजकल तो फैशन जैसा चल गया है आरक्षण बचाओ देश बचाओ रैली करने का, मगर उधर पार्लियामेंट के अंदर हो उधर तो बोलते नहीं, बाहर निकाल कर संविधान बचाओ देश बचाओ करते हो। तो साथियों ये जाल फेंकते हैं, जैसे कटिया पहले लगाई जाती थी जब हमारे लोग देहात के होंगे जानते होंगे, वैसे ही हमारे ही आदमी को जाल के तौर पर फेंकते हैं। तो हमें इससे सतर्क रहने की जरूरत है और अपनी लड़ाई मिलजुल कर लड़ने की जरूरत है। आप लोग लड़ेंगे इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय मूल्यवासी जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी विकास पटेल प्रदेश प्रभारी माम से उत्तर प्रदेश। साथियों इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर शंकर राम जी।